नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ तुअर दाल और ड्रम स्टिक से बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से इस दाल को बना के जरूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी और आज के लाइक का गोल रखते 1000। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे आधा कप तुअर दाल। दाल को अच्छे से 2-3 बार साफ पानी से धोया और उसके बाद मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। दाल आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। और लिया मैंने यहाँ पे 200 ग्राम सजने की फली। फली को छीलने के बाद हम ऐसे बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। तो चलिए शुरू करते रेसिपी। अब हम ले लेंगे एक कुकर। कुकर में हम दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है एक टमाटर को 2 टुकड़ा करके डाल देंगे हम। 1 इंच अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 हरी मिर्च, 1 छोटे साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे हम। और लिया है मैंने यहाँ पे 6 से 7 लहसुन। लहसुन को भी हम चॉप करके ले लेंगे। सभी चीज़ें हम डाल देंगे दाल में। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच नमक और डालेंगे हम यहाँ पे करीब 2.5 कप पानी। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और कुकर को हम बंद करके 2 सीटी आने तक दाल को कुकर में पकाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। एक बार हम मिला लेंगे। कुकर को कर देते हैं बंद और 2 सीटी आने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। एक हम पैन में ले लेंगे थोड़ा सा पानी। पानी को हम पहले हल्का गर्म करेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे नमक और 2 से 3 पिंच हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी। पानी जैसे ही हल्का गर्म हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे फली। गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और 3 से 4 मिनट हम मीडियम फ्लेम में हल्का बॉईल कर लेंगे। पाँच मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फली हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई में ले लेंगे 3 चम्मच तेल और तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे करेंगे। डालेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच सरसों, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच साबुत जीरा। पहले हम फ्राई कर लेंगे। सरसों और जीरा हमारा जैसे ही अच्छे से चटक जाए हम डालेंगे यहाँ पे 1 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। प्याज के कलर चेंज हो जाने तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे हींग, साथ ही हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। डालेंगे हम थोड़ा सा कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आते हैं दाल में। बस प्याज का कलर आप देख सकते हो चेंज हो चुका है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे 1 बड़े साइज के टमाटर को ग्रेट करके। आप चाहे तो यहाँ पे पेस्ट बना के भी डाल सकते हो। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम 3 से 4 मिनट अच्छे से और भूनेंगे। डालेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे जीरा पाउडर। हल्दी हमने दाल में डाला था इसलिए हल्दी और ऐड नहीं करूँगी। तो बस मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ये दाल की रेसिपी आप एक बार बना के ज़रूर खाइएगा। मसाले अच्छे से हमारा भून चुका है। आप देख सकते हो साइड से तेल अलग दिख रहे हैं। अब हम डाल देंगे यहाँ पे बॉयल किए हुए दाल।
दाल भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। टमाटर के छिलके को हम अलग कर लेंगे और हल्का स्पैचुला से हम टमाटर को मैश भी कर लेंगे। टमाटर को हल्का मैश कर लिया है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे जो हमने बॉईल करके रखे थे फली, पानी के साथ ही डाल देंगे। और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो अब नमक इस टाइम चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप नमक डाल दीजिएगा। तो डाल दिया मैंने आधा चम्मच नमक। अच्छे से हम मिलाएंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे करके दाल को और पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और दाल की थिकनेस आप देख सकते हो कैसा है। अगर आपको यहाँ पे दाल में पानी डालना है तो आप पानी डाल सकते हो, लेकिन ठंडा पानी मत डालिएगा, हल्का गुनगुना गर्म करके पानी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो बस गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं, 3 से 4 मिनट हम लो फ्लेम में और पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दिया है और दाल को हम लो फ्लेम में पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। थोड़ा सा हम डालेंगे ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला। गरम मसाला डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, बस एक बार मिला देंगे। 4 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा और डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। एक बार मिक्स करके हम दाल को सर्व कर लेंगे एक बाउल में। और ये दाल देख के आपको जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो दाल को हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप एक बार बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।